मैं डॉक्टर आमना इंशाल्लाह। अच्छा एक क्वेश्चन इन टू द एमसीक्यूज जो कि मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कुछ लोग होते जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, राइट? ब्लेसिंग फॉर हर है ना आमना, आई एम ब्लेसिंग फॉर यू, राइट? हेलो एवरीवन, बस यहां लगी हूँ, साथ में स्टैंड लेके जा रही हूँ बजाय बैग लेने के, मतलब बैग भी लेके जा रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। आज मैंने सोचा पॉडकास्ट बनाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ, सो लेट्स डू इट। और इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंड डे ऑफ यूनिवर्सिटी, और ऐसे सेकेंड डे है लेकिन स्टिल इतनी पढ़ाई हो रही, लगी नहीं रहा कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ है। मतलब एटलीस्ट आप थोड़ा सा गैप तो दें बच्चों को ताकि बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, मतलब रेस्ट इन अ सेंस के थोड़ा सा मतलब आराम से लेके चले ना, एकदम इतनी जल्दी क्या है कि अभी तो हम लोग आए। जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था इतना हेक्टिक हो गया था कि मैं व्लॉग जो है ना वो कम्प्लीट कर नहीं पाई थी, तो मैं आज इंशाल्लाह एंडिंग भी कर लूँगी इस व्लॉग की जो मैंने फर्स्ट डे ऑफ व्लॉग बनाया था। तो दिस इज द सेकेंड डे जब मैं तैयार हो गई हूँ, एंड आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और पॉडकास्ट करेंगे तो पैक वगैरह भी पैक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो है वो तो मैं ये स्टैंड लेके जा रही हूँ यूनिवर्सिटी के बैग के अंदर, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एज यू नो जो हिजाब करती हैं गर्ल्स उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं तैयारी वगैरह तो कर ली है, अब मैं जाने लगी हूँ मास्क वगैरह पहन के। होप सो यू गाइस लाइक माय यूनिवर्सिटी, आप लोग को अच्छी लगी होगी। और मेरी फ्रेंड्स तो कुछ देखी कुछ नहीं देखी होंगी, बट खैर इतना बड़ा बैग लेके जा रही हूँ बिकॉज माई सिस्टर हैव अ मैटबुक डॉट पी के, तो उसके अंदर जो है वो मुझे बुक्स भी लेके जानी है और ऊपर से मुझे स्टैंड भी लेके जाना है, तो मैं इतना बड़ा बैग लेके जा रही हूँ। ये स्टैंड है, इसको अंदर लेने लगी हूँ। इसमें मुझे बुक्स रखनी है बहुत सारी, तो वो बुक्स आ जाएंगी। और अब पानी की बॉटल भर लेते हैं एंड देन माई बैग इज रेडी। एक जगह इंतजार कर रहे हो टीचर अभी तक नहीं आई। फार्मेसी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नो वन बटन ज़्यादा पढ़ते हुए फार्मेसी क्लास कैसी रही? There is a great news for you guys. If you guys are interested and looking after into the MCQs जो कि मतलब आपको free of cost हो, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, राइट? तो जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फॉर देम गाइज आई हैव अ वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड ऐप जिसका नाम है पार्क लर्निंग स्पॉट। दिस इज द नेम, पार्क लर्निंग स्पॉट। दिस इज द बेस्ट एवर ऐप फॉर द एमडी कैट, यू कैन यूज। और इसके अंदर ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपके पास एमडी कैट के नम्स के और ये सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो येस, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट अपलोड, लाइक यू कैन जस्ट इंस्टॉल दिस ऐप। दिस इज द पार्क लर्निंग स्पॉट, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये किस तरह के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये सब कुछ मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड ऑल्सो पार्क लर्निंग स्पॉट एज काइंड ऑफ यू नो द वेबसाइट विच इज गोइंग टू गिव अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैट के एमसीक्यूज, एंड दे रियली लाइक यू नो, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए तो एमसीक्यूज आपको चाहिए होते हैं, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो यू कैन अफोर्ड ऐप, राइट? आप ऐप डाउनलोड करें, पार्क लर्निंग स्पॉट के नाम से है, एंड उसके अंदर यू हैव टू स्टार्ट डूइंग, लाइक अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो उस चैप्टर को सॉल्व करने पार्क लर्निंग स्पॉट से, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? तो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द पार्क लर्निंग स्पॉट। इट इज अ न्यू लाइक वेबसाइट, उनकी वेबसाइट भी है, दे हैव द ऐप एज वेल, इज लाइक एन ऐप, आपको जस्ट वो ऐप डाउनलोड करनी है, एंड वंस यू आर डन डाउनलोडिंग द ऐप ये आपको एक्सेस मिल जाएगी सब की क्वेश्चंस की। हाँ हाँ, ये होगा स्टूडेंट अफेयर लिखा है ना, जाओ चलो कोई बात करो, चलो कोई बात करो। ड्रीम चेजर करो, आमना कुछ लो यहाँ से खुद कर।
बार देख लेते हैं मुझे क्या चाहिए। मुझे ये वाला चाहिए, लेके दो आप ना। ये हमारा लेक्चर हॉल 2, पहले हमारी क्लासेस वहाँ पर होती थी, वहाँ पर लेक्चर हॉल 1 था, और हम जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमारा एसी वगैरह का सिस्टम भी अजीब सा हो गया। शो यू गाइस स्टफ। ओह नहीं ये तुम लेट हो। मजे का है सेवा, मजे का है। मुझे और खाने हैं। तुम लोगों को चाहिए था, तुम लोगों को चाहिए था बचाना। हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। बेसिकली पॉडकास्ट है ये आमना का, तो आप लोग देखिएगा। इसके अंदर हम पूछेंगे कि आमना जो है वो किस तरह से पढ़ाई की है, लाइक उनका जो ये फर्स्ट अटैम्प में ही एडमिशन हो गया माशाल्लाह से। सो उनसे पूछेंगे कि कैसे पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह लिया, ताकि थोड़ा सा हो सके। चलो आमना, आर यू रेडी? लगा अच्छा, तुम्हें लगा था मिनाल हो गया। कोई बात नहीं, डर गई। अच्छा ये है, हाँ तुम डर गई, खैर छोड़ो, अब कुछ और बोलो ना। तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोलते हैं। हाँ इसको मैंने प्यार किया। आप लोग को हम दिखाते हैं यूनिवर्सिटी, मतलब अगर तुम गोरी लगो जब भी तुम्हें मसला है, अगर तुम नहीं लगो जब भी तुम्हें मसला है। ये है हमारा, एक मिनट, अपना डेंटल मटेरियल। आओ ये भाई आटो को सही। ये हमारी बहुत अजाब वाली डेंटल मटेरियल का, क्या ये लैब, डेंटल मटेरियल की लैब, बहुत मुश्किल है भाई। आज है ना मैं पढ़ाई की जगह अपने बैग के अंदर वो सामान लेके आई जिससे हम लोगों को पॉडकास्ट करना है। सो लेट्स सी कि कैसा हो जाता है, अल्लाह करे अच्छा हो। और आप लोग भी देखिएगा हमारा पॉडकास्ट विद डॉक्टर आमना, विद डॉक्टर आमना इंशाल्लाह। अच्छा यार क्वेश्चन सोचने क्या कर, हमारी मिनी है ये हर चीज़ की टेंशन लेती है। हम पॉडकास्ट करने लगे इनको बहुत टेंशन हो रही है, कैसे होगा क्या होगा कुछ भी नहीं। मतलब मैं इतनी वीडियोज बनाती हूँ, मुझे तो कभी कोई टेंशन नहीं, इनको ये टेंशन हो रही है कि हम क्या, तुम्हें टेंशन क्या होती आवाज़ कैसे जाएगी, क्योंकि हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट बना रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सामने जो है वो ओपीडी है, और एक उधर भी ओपीडी है। ये रहा जी बैग, और ये रहा मेरा स्टैंड, मतलब मैं इसको, और ये बहुत अच्छा स्टैंड है, मैंने दराज से लिया था। दिस इज़ बेस्ट 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 स्टैंड। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं। जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, लाइक ये हमारा सामने ओपीडी है, ये ओपीडी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा। हमारा जो यूनिवर्सिटी है ना, ये डेंटल से ही मशहूर है। आप अगर आप किसी को बोलेंगे ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उन्हें कुछ भी ये समझ नहीं आएगा। और ये भी ओपीडी है, और ये भी ओपीडी है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना कि डेंटल कॉलेज जाना है, मतलब इसका नाम KMDC नहीं बल्कि डेंटल कॉलेज के नाम से मशहूर है ना। हम भी कहीं जाते हैं आते हैं, हम कहते हैं हमें डेंटल कॉलेज जाना है बिकॉज, और KMDC का हम लोगों ने जो है ना वो, ये देखो यार फर्स्ट डे का पहले आएगा ना फिर आएगा। अच्छा ये अब हमने जो है ना यहाँ पे पॉडकास्ट को किया है, मतलब लिया है, और शी वॉज माई गेस्ट। और ये देखिए मैं अपने साथ स्टैंड अपने बैग में लेके आई थी, और मतलब इतनी तैयारी से कौन आता है मतलब। और ये स्टैंड जो है मैंने दराज से लिया था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वन फॉर मी। मैंने ना बहुत सारे स्टैंड यूज़ किए, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चंस लिखे थे मैंने आमना के लिए, जो कि हमने पूछे हैं अबाउट द MD CAT, प्रोडक्टिव स्टडी, सारी बुक्स जो उन्होंने सारी बताई। वेट फॉर द पॉडकास्ट जो कि बहुत सून हमारा आएगा, एंड यस इज गोना बी बेस्ट। यार हमें पिक्चर भी लेनी है, पिक्चर सेशन हमारा रहता है, और पता है उधर से लेंगे। सुनो मैं आपको पीछे सभी यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर वैंस हैं, ये हमारे जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको सिर्फ देखने के लिए, यहाँ ये शो पीस हैं, सॉरी दे आर द शो पीस। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, ये जगह बहुत बहुत अच्छी है, मतलब फॉर रेस्टिंग पॉइंट। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय ब्लॉग, लाइफ इज टेक केयर एवरीवन, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, बाय बाय। अभी हम उधर जाएंगे, और वहाँ पर जो है वो कैंटीन है, कुछ खाना है, उससे पहले हमें कुछ फोटो शूट वगैरह करना है। हमारा फोटो शूट भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमने पिक्चर्स भी ले ली, हमने पॉडकास्ट भी बना लिया, हमने आपके बारे में वीडियो भी बना ली, आपको यूनिवर्सिटी दिखा दी थोड़ा सा। अब ना आपको मेरे साथ रह के कैसे लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है ना, मुझे लगता है कि आई एम ब्लेसिंग फॉर हर, है ना आमना, आई एम ब्लेसिंग फॉर यू, राइट? खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ मैं, वाह। मतलब वीडियो चली नहीं रही थी माशाल्लाह, मतलब हमने पूरा बना लिया। ओके आई वाज टेलिंग हर कि आमना आई एम ब्लेसिंग फॉर यू, राइट? आई एम ब्लेसिंग फॉर यू, राइट आमना? थैंक यू, बस मैंने कभी करूँ नहीं किया। यू आर ऑल्सो ब्लेसिंग, यू नो व्हेन, व्हाई? बिकॉज बहुत अच्छा पढ़ती है ना, तो मेरी हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, और ये बहुत मेहनत से पढ़ती है। उसके बाद मुझे बताती है कि देखो नादी ये चीज़ें पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, पढ़ लो। तो मैं वही चीज़ें पढ़ लेती हूँ, और मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाता है।
ऐसा नहीं, मैं इसका मतलब ये नहीं, देखो मेरे ये समझे कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, बताओ आप ना। बहुत अच्छा पढ़ती लाती, ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ता है? मैं। हाँ नाटक सही है। ये हमारी कैंटीन है, तो नज़ारे से कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं। चलो आ जाओ। दिस इज माय क्यूटो सी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सारे पॉइंट्स की जगह है।